अमेरिका ने लद्दाख के सीमा पर भारत और चीन की सेनाओं के बीच हाल के दिनों में बने तनावपूर्ण माहौल पर गंभीर चिंता जताई है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय में दक्षिण और केंद्रीय एशिया प्रभाग की सबसे वरिष्ठ अधिकारी एलिस वेल्स ने चीन के इस चिंताजनक व्यवहार के संदर्भ में कहा कि इस वजह से अमेरिका एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय ऑर्डर की वकालत कर रहा है जो सभी के लिए फायदेमंद हो। ट्रंप प्रशासन की तरफ से चीन भारत सीमा विवाद में खुलकर भारत के पक्ष में आने का ये पहला मामला है। इससे पहले साल 2017 में जब डोकलाम में दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने आई थी, तब भी अमेरिका ने भारत के पक्ष में बयान दिया था, लेकिन इस बार अमेरिका का बयान ज्यादा सीधा और साफ है। अपने बयान में एलिस वेल्स ने कहा कि चाहे दक्षिण चीन सागर हो या भारत से जुड़ी सीमा, चीन का व्यवहार सिर्फ दिखावा करने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये भड़काने वाला और चिंताजनक है। ये बताता है कि चीन का व्यवहार किस तरह का खतरा पैदा कर सकता है। इस महीने के पहले हफ्ते में लद्दाख और सिक्किम के उत्तरी क्षेत्र में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़पें हुई थी। उसके बाद दोनों देशों की तरफ से न सिर्फ सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई थी, बल्कि लगातार सीमा पर गश्त भी शुरू कर दी गई थी। वैसे ये सूचना भी आई है कि दोनों देशों की सेनाओं के बीच विवाद को सुलझाने को लेकर गंभीर चर्चा शुरू हो गई है। इस बीच चीन की इच्छा पर भारत के इलाकों को अपने नक्शे में दिखाकर मनमानी का परिचय दे रहे नेपाल को भारत ने सख्त संदेश दिया है। भारत ने काला पानी, लिपु लेक और लिपियांथुराक पर नेपाल के दावे को न केवल खारिज कर दिया, बल्कि दो टूक ढंग से ये भी कहा कि भौगोलिक क्षेत्रों के कृत्रिम विस्तार को कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा। भारत ने नेपाल को यह नसीहत दी है कि उसे इस तरह के अनुचित दावों से बचना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट।